हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हैज़ हैव के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव अर्थात क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। फ्रेंड्स, टाइप वन में सबसे पहले हैज़ या हैव लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद नॉट लगाना होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है। और टाइप टू में डू या डज सबसे पहले लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद नॉट लगाना होता है, उसके बाद हैव लगाना होता है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाना होगा। फ्रेंड्स, टाइप टू में हैव का प्रयोग हर सेंटेंस में किया जाता है, और डू और डज का प्रयोग हमने पिछली क्लास में बताया था। जैसे कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, और ही, सी, इट नाम तथा एक वचन के सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस को बना के देखते हैं। सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास काला पेन है? इसे टाइप वन से पहले बनाएंगे, उसके बाद टाइप टू से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, टाइप वन से बनाने के लिए सबसे पहले हमको लिखना होगा हैज़ या हैव, और हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, अर्थात यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, और यू के साथ लगता है हैव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हैव लगा देंगे। हैज़ या हैव लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट है यू, उसके बाद नॉट लगाना है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए नॉट नहीं लगेगा, आगे कॉम्प्लीमेंट लगाना है। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट है काला पेन, तो आ ब्लैक पेन लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया हैव यू आ ब्लैक पेन। अब हम टाइप टू से इसी सेंटेंस को बना के देखेंगे। टाइप टू में सबसे पहले डू या डज लगाना है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ डू लगता है, इसलिए यहाँ पे डू लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है यू, तो यू लगा दिया। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट नहीं लगेगा क्योंकि नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद हैव लगाना है, तो हैव लगा देंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बचा है काला पेन, इसलिए आप ब्लैक पेन लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया डू यू हैव आ ब्लैक पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसके भाई के पास घड़ी नहीं है? तो फ्रेंड्स, टाइप वन में देखते हैं, सबसे पहले हैज़ हैव लगाना है। यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसके भाई के पास, अर्थात यहाँ पे भाई की बात हो रही है, और भाई एक वचन है, इसलिए यहाँ पे हैज़ लग जाएगा। हैज़ लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट है उसका भाई। फ्रेंड्स, उसका भाई के लिए हिज ब्रदर लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। फ्रेंड्स, सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे नॉट लगाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखना है। फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट है घड़ी, इसलिए यहाँ पे अ वॉच लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया हैज़ His brother a watch। इसी सेंटेंस को टाइप टू से बनाते हैं। सबसे पहले डू या डज लगाना है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है his brother, और ब्रदर एक है, इसलिए यहाँ पे डज लग जाएगा। डज लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट his brother लिख देंगे। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा देंगे। उसके बाद हैव लगाना है, हैव लगा देंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट आप वाच हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस हो गया डज हिज ब्रदर नॉट हैव अ वॉच। तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम्हारे भाई के पास काले जूते नहीं हैं? तो फ्रेंड्स, टाइप वन में हम सबसे पहले हैज़ लगाएंगे क्योंकि भाई एक वचन है। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे योर ब्रदर। उसके बाद नॉट लगाना है, तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद काले जूते के लिए ब्लैक शूज लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा हैज़ योर ब्रदर नॉट ब्लैक शूज। टाइप टू से बनाने के लिए सबसे पहले डू डज लगाना है, इसलिए यहाँ पे डज लगा देंगे। उसके बाद योर ब्रदर लिखेंगे। उसके बाद नॉट लगाना है, तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद हैव लगाना है, तो हैव लगा देंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे ब्लैक शूज। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से हो गया सेंटेंस डज योर ब्रदर नॉट हैव ब्लैक शूज। चौथा सेंटेंस है, क्या मेरे पास बाइक नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हैज़ हैव सबसे पहले लगाना है,
तो फ्रेंड्स मेरे पास आ गया अर्थात आई सब्जेक्ट आ गया, इसलिए यहाँ पे हैव लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया क्योंकि सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाना है, कॉम्प्लीमेंट है बाइक, तो इसलिए आप बाइक लिख देंगे। टाइप टू से बनाने के लिए सबसे पहले डू या डस लगाना है, तो फ्रेंड्स आई के साथ डू लगता है, इसलिए यहाँ पे डू लगा दिया गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है आई। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा देंगे। फिर हैव लगाना है, हैव लगा देंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे आ बाइक। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।